चोरी का अपराध कारित करने के आरोप में शातिर चोर को रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चार मोबाइल व लोहा कटर मशीन किया बरामद, भेजा जेल। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान केंद्र के जानवरों की सीसीटीवी की जा रही है निगरानी। स्टाफ भी लगातार वन्य जीवों की करते हैं निगरानी। प्राणी उद्यान केंद्र के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने दी जानकारी। कोतवाली थाने पर सीओ कोतवाली जगत राम कन्नौजिया की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले आए भूमि विवाद व किरायेदारी के विवाद से संबंधित, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। निपुण भारत मिशन को लेकर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने किया मंडलीय समीक्षा बैठक। कहा, मंडल के हर बच्चे को पढ़ाई में बनाना है दक्ष। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक व्यक्ति के परिजनों को जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा 30,000 रुपए की दी जा रही आर्थिक सहायता। 18 साल से 59 साल तक होना चाहिए मृतक की आयु। मृतक आयु का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, परिवार रजिस्टर में होना चाहिए। नाम मित्र के परिजन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ कर सकते हैं आवेदन। जिला समाज कल्याण अधिकारी बीएन सिंह ने दी जानकारी। आपदा विभाग द्वारा जनपद में नागरिकों को लू से बचने के लिए आईटीएमएस के द्वारा महानगर में विभिन्न चौराहों पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है जागरूक। नागरिक स्वयं की लू से कर पाए सुरक्षा। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से ना निकलें बाहर। पानी का अधिक से अधिक करें सेवन। गोरखपुर में मिर्जापुर गांव से सटे बहने वाली राप्ती नदी बना देशी स्विमिंग पूल। हजारों की संख्या में पहुंचे नागरिक गर्मी से बचने के लिए प्रतिदिन कर रहे हैं स्नान, उठा रहे हैं जमकर लुफ्त। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। अब समाचार विस्तार से। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने चोरी का अपराध कातिर करने के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में रामगढ़ताल थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सन्नी निषाद पुत्र राकेश निषाद निवासी रामपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से चार मोबाइल, एक लोहा काटने की कटर मशीन बरामद किया गया है। रामगढ़ताल थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैंने लोहा काटने की कटर मशीन को कबाड़ की दुकान से 21 व 22 जून की रात्रि में चुराया था। उसी रात्रि में दो लोगों के एंड्रॉइड मोबाइल भी चुराया था। कीपैड मोबाइल के संबंध में पूछने पर माकूल जवाब नहीं दे सके तथा बताया कि मैंने ये दोनों मोबाइल भी चोरी किया है, लेकिन कहां से चोरी किया हूं इसके संबंध में मुझे स्पष्ट याद नहीं है। आज ये सारा सामान बोरी में लेकर बेचने जा रहा था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में रामगढ़ताल थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उप निरीक्षक रवि सेन यादव, कांस्टेबल अमित गिरी, मनोज चौधरी शामिल रहे। शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान केंद्र के जानवरों की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, जिसके संबंध में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान केंद्र के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्राणी उद्यान में हम लोग पूरे दिन घूमते रहते हैं। इसके अलावा प्राणी उद्यान के जो स्टाफ हैं वो हमेशा वन्य जीवों के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखते हैं और हम लोग भी स्वयं मॉनिटरिंग करने के लिए समय समय पर घूमते रहते हैं। उन्होंने बताया कि निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिससे कि निगरानी रखी जा सके, क्योंकि कुछ लोग वन्य जीवों को परेशान करते हैं। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान केंद्र के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह ने कहा, वैसे तो प्राणी उद्यान में हम लोग पूरे दिन घूमते रहते हैं। हमारे पूरे स्टाफ के जो लोग लगे हैं, जो जू कीपर होते हैं, वो प्राणी उद्यान में हमेशा हर एक वन्य जीव के ऊपर अपनी नज़र बनाए रखते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य सरकारी स्टाफ के लोग हैं, जो सेक्शन प्रभारी हैं, बीट इंचार्ज हैं, रेंज अफसर्स हैं, ये सभी लोग समय समय पर पूरे प्राणी उद्यान में घूमते रहते हैं। और होता क्या है कि मॉनिटरिंग करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हम लोग घूमते रहते हैं, चिड़ियाघर में 3-4 चक्कर हम लगाते हैं, और उसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। अमूमन जहाँ जहाँ सेंसिटिविटी है, जहाँ पे लोगों से खतरा हो सकता है, वन्य जीवों को लोग परेशान कर सकते हैं वन्य जीवों को, उन उन जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उनकी मॉनिटरिंग हम लोग सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी करते हैं। जो वन्य जीव हैं उनके बाड़ों के अंदर, उनके सेल के अंदर भी कैमरे लगा रखे हैं हम लोगों ने, जिससे कि जब बाड़ा बंद हो जाता है, रात का समय हो, तो भी उस वक्त भी हम लोग चाहें तो वन्य जीव को देख के उसके स्वास्थ्य के बारे में, उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग निगरानी कर लेते हैं। सीओ कोतवाली जगत राम कन्नौजिया की अध्यक्षता में कोतवाली थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सीओ कोतवाली जगत राम
राम कन्नौजिया ने बताया कि थाना दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें अधिकतर मामले भूमि विवाद के आए हैं। उन्होंने बताया कि यहां मकान को लेकर विवाद, दुकान के बंटवारे को लेकर मामले आए हैं, जिसमें संबंधित लेखपाल व पुलिस की संयुक्त टीम बनाकर मौके का निरीक्षण कर निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं और जो कुछ मामले हैं जिसका मौके पर ही निस्तारण कर दिया जा रहा है। इस अवसर पर कोतवाली थाना प्रभारी अंजुल चतुर्वेदी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए कोतवाली जगत राम कन्नौजिया ने कहा, आज कोतवाली में थाना दिवस चल रहा है, ज्यादातर मामले जमीन संबंधी हैं और मकानों का विवाद ज्यादा है, उसी संबंध में आ रहे हैं मामले, निस्तारण कराया, कुछ निस्तारण जो निस्तारण होने के योग्य हैं उनको निस्तारण कराया गया, शेष राजस्व विभाग से संबंधित है उनको सुपुर्द किया जाएगा। थाना दिवस जो हमारा चल रहा है काफ़ी कारगर है और इससे जो निस्तारण होने वाले मामले हैं थाना स्तर पर उसको उस राजस्व टीम के साथ मिलकर निस्तारित कराया जा रहा है। ज़्यादातर किस तरह के मामले हैं? ज़्यादातर मामले जमीन संबंधी हैं, मकान संबंधी हैं, कब्जे किराएदारी को और कब्जे को लेकर। आयुक्त रवि कुमार एनजी ने निपुण भारत मिशन को लेकर मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि पढ़ाई में सभी छात्रों को दक्ष बनाना निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है। हर छात्र का शिक्षा पर अधिकार है, इसलिए प्राथमिक विद्यालय हो या प्राइमरी विद्यालय हो, सभी को भाषा का ज्ञान होना चाहिए, जिससे वो हिंदी, गणित, विज्ञान सहित अन्य विषय आसानी से पढ़ सकें, जिसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसलिए आप सभी लोग अपने अपने जिलों में बच्चों को दक्ष बनवाएं। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी, सीडीओ संजय कुमार मीना, बीएसए रामेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जितने का वो सामान होता है उससे अधिकतर पेमेंट करना पड़ता है। कुछ दिनों में अपने भाई जो पहले से कई होंगे व्हाइट कलर जात के लिए जो हम लोग तैयार हैं उससे हम कैसे बाहर निकले यह भी हमें सोचना होगा। इन सब चीजों को भी जोड़ना होगा। तो पैसा बच्चों को वो कोई कठिन काम नहीं है। वो काम मैंने जब शुरू किया तो मैं पहले दिन से जब प्राइमरी हमने प्राइमरी स्कूल आती हूँ खोलना ये बच्चे और सारे वहाँ के लोगों को मैं समझता हूँ वो मुझको समझते हैं। धीरे धीरे इसी बीच में मैं अपने लिए जमीन खरीदता हूँ या जमीन को फोन करता हूँ कि पहले क्या है मकान में तो फिर अपने मकान। तो इस तरीके से गोरखपुर ने जो काम किया और दूसरे लोगों का जो काम कर रहा हूँ उसमें तरीका एक ही है। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक व्यक्ति के परिजनों को 30,000 रुपए की सहायता दी जा रही है, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऐसे लोगों के लिए है जिनके परिवार में यदि किसी भी व्यक्ति मृत्यु किसी के कारण से 59 साल तक हो जाती है तो ऐसी दशा में 1 साल के अंदर आवेदन करता है तो उनके परिजन व उनकी पत्नी जो कि विधवा है तो उनको 30,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इसके लिए आवेदक को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, परिवार रजिस्टर और मृत व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी लगाना आवश्यक होता है, जिसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी बीएन सिंह ने कहा, देखिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऐसे लोगों के लिए है जिनके परिवार का मुख्य आय अर्जक जो कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और 60 से कम हो यानी 59 साल तक की उम्र तक के लोग, इसके लिए कि अगर मृत्यु हो जाती है किन्हीं भी कारणों से सामान्य परिस्थितियों में या किसी बीमारी या दुर्घटना कारण, तो ऐसी दशा में मृत तिथि के 1 साल के अंदर आवेदन करने पे उसके आश्रित को, चाहे वो उसकी विधवा महिला हो या नाबालिग बच्चे हों या अविवाहित लड़की हो, ये लोग आवेदन कर सकते हैं। उनको 30,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है। इसके लिए आवेदक को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, परिवार रजिस्टर और इसके अलावा मृत व्यक्ति का मृत प्रमाण पत्र, ये सब अभिलेख आवश्यक होते हैं जिनके आधार पर आवेदन कर सकते हैं। जिला आपदा विभाग द्वारा नागरिकों को लू से बचने के लिए महानगर में ITMS के द्वारा विभिन्न चौराहों पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। जिला आपदा विभाग द्वारा जनपद में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए महानगर में विभिन्न चौराहों पर लगे ITMS के द्वारा
पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को में स्वयं का बचाव कर सकें। लोगों को बताया जा रहा है कि घर से निकलें तो सर ढककर बाहर निकलें और बासी खाना ना खाएं। यदि आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और समय समय पर पानी पीते रहें। वहीं इस संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि लू को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है, जिससे लोग जागरूक हो सकें। ITMS के द्वारा विभिन्न चौराहों पर लगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें और यदि ज्यादा धूप हो तो किसी छांव वाली जगह पर खड़े हो जाएं और दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर ना निकलें। हमें होने वाली मौतों की रोकथाम के लिए निम्न सावधानी बरतें: कड़ी धूप में बाहर ना निकलें, खासकर दोपहर 12 बजे से रंग के ढीले ढाले सूती कपड़े पहनें। धूप से बचने के लिए गमछा, टोपी, छाता, धूप का चश्मा या सर का भारीपन महसूस होना, त्वचा का सूखा एवं लाल हो जाना, उल्टी होना। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए इस समय जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गोरखपुर और पुलिस विभाग के द्वारा एक सहयोग से आज पूरे जो ITMS जो हमारा सेंटर यहाँ बना हुआ है उसके माध्यम से लू से बचाव के संबंध में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करने की प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार उसमें अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं कि लू के दौरान वो क्या करें क्या न करें, और इस तरह का व्यापक प्रचार प्रसार ITMS के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही ITMS के माध्यम से अन्य लोगों से भी सहयोग की अपील की जा रही है कि वो मतलब प्याऊ लगाएँ और पब्लिक को अवेयर करें और धूप से बचाव में पब्लिक का सहयोग करें। इस तरीके की सूचनाओं का प्रसारण ITMS के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है और चूंकि हर मेन चौराहों से कनेक्टेड है तो बाहर से कोई भी व्यक्ति अगर गोरखपुर में आ रहा है या गोरखपुरवासी कहीं जा रहे हैं तो वो प्रायः चौराहों के पास से ही बस या ऑटो या अपनी गाड़ियां वहां से निकलती हैं। तो इस तरीके के व्यापक प्रचार प्रसार से इसका काफ़ी लाभ है और लोगों को सही सूचनाएँ मिल जा रही हैं कि कहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं। इसलिए ये बहुत ही सार्थक प्रयास है और इसमें मैं यातायात पुलिस का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस तरीके की ये पूरी मुहिम में हमारा पूरा सहयोग किया। जनपद में मिर्जापुर गांव से सटे बहने वाली राप्ती नदी नागरिकों के लिए देसी स्विमिंग पूल बना। आपको बता दें कि गोरखपुर मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मिर्जापुर गांव से सटे राप्ती नदी बहती है। गर्मी की वजह से नदी का जलस्तर काफी कम हो गया है, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में युवक पहुंचकर नदी में नहा रहे हैं। वहीं युवकों का कहना है कि गर्मी बहुत है, यहां पर नदी का जलस्तर 4 से 5 फीट हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ नहाने आ रहे हैं। और यहाँ पर गोरखपुर में कोई भी स्विमिंग पूल नहीं है। गोरखपुर मंडल में देवरिया व कुशीनगर में वाटर पार्क है जो कि 500 से 700 रुपये लेते हैं। जो गरीब लोग हैं वो 700 रुपये नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से सभी लोग यहाँ पर नहाने आते हैं। यहाँ पर गोरखपुर मंडल के अलावा बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोंडा के लोग नहाने आ रहे हैं और देसी स्विमिंग पूल का लुफ्त उठा रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए नहाने आए युवक मिराज शाह, विशाल जायसवाल, वीरेंद्र यादव, सूरज यादव, अभिषेक निषाद ने कहा, आया हूँ काली स्थान वहाँ पर काली स्थान। मुझे सूचना मिली, मैं हम लोग बहुत पहले से आते थे यहाँ पे। मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ कि कहो करे जा कहत रहलू कि चला गोवा हनीमून मनावे, कहो करे जा कहत रहलू चला गोवा हनीमून मनावे, अरे आवो कब्बो देसी वर्क पर कौन घुमा दी मिर्जापुर, बुला जे गोवा के सवाद। भैया मझगांव से सूचना मिली है हमको? मिला, हमारा यही पर मामा की आए हैं, वही बताए वहाँ से आए हैं। बहुत आनंद आ रहा है भैया, बहुत भैया मानेंगे नहीं, गोवा यहाँ पर उतर आया है, गोवा भी फेल हो गया यहाँ पर। नदी है, मजे गहराई होंगे, कैसे बच रहे हैं आप? गहराई नहीं भैया, हमको तैरना आता है, पार कर देंगे नदी, हम समुद्र में रहते हैं। क्या नाम है? संतोष निषाद, ग्राम प्रधान चंदौली बुजुर्ग। कैसे सूचना मिली यहाँ की? यहाँ पे देखे वीडियो, मतलब उस माध्यम से बहुत भीड़ थी तो हम लोग भी ऐसे जा रहे थे तो सोचे थोड़ा रुक लें। क्या कारण है कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे इतना तपती धूप है और एक तो पानी करीब करीब 4 फीट है, इस वजह से यहाँ पे भीड़ ज़्यादा लग रही है। हाँ, डूबने का खतरा इधर तो करीब करीब नहीं है, मतलब पानी कम होने की वजह से। हाँ, जो ऊपर से कूद रहे हैं उसके लिए दिक्कत तो है। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है, उन लोगों को नहीं करना चाहिए।
मेरा शाह, हमारा नाम है, हम गोरखपुर से हैं, यहाँ चकटेलना से, यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत आनंद आ रहा है, स्विमिंग पूल का मजा मिल रहा है हम लोगों को। क्या सर? बहुत गोरखपुर में स्विमिंग पूल न होने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से हम लोग नदी में नहा रहे हैं। राप्ती नदी है गोरखपुर का, हम लोग को नहाने में बहुत ही आनंद आ रहा है सर। पानी का जल स्तर अच्छा है सर, जहाँ तक मतलब नहाते वहाँ तक नहाएं, आगे डूबने का भी चांस रहता है। जी सर, के लिए कोई जी सर, जिसको तैरने नहीं आ रहा वो डूबने वाली जगह पे नहीं जा रहा है, जिसको मतलब तैरने आ रहा है डूबने वाली जगह पे जा रहा है।